हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं ये ब्लॉग मैं बहुत रिस्क लेके बना रहा हूँ आप लोग के लिए, और ये वीडियो बहुत लेट से आएगी जब सारा चीज़ शांत हो गया होगा और मैं इंडिया में रहूँगा। और अभी मैं स्लोवाकिया में हूँ और यहाँ के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि लिविंग स्टाइल और यहाँ का क्या कल्चर है। स्लोवाकिया का एक गांव में हूँ। कौन सा गांव है सुशील? वार्जो एक गांव है। इस गांव में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब यहाँ का लिविंग कॉस्ट पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता दूँ क्या जो इस देश की लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज है स्लोवाकिया करके कुछ लैंग्वेज है। और दूसरी चीज़ क्या, यहाँ जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है। और अब चलते हैं हम सुपरमार्केट की और दिखाएंगे यहाँ का लिविंग कॉस्ट क्या पड़ती है सारे सामान वगैरह की और हर एक चीज़ की। और यहाँ का थोड़ा नज़ारा मैं दिखाता हूँ अपने बैक कैमरा से, सिनेमेटिक व्यू थोड़ा सा। सुपर मार्केट की एंट्री। अरे इस फाइनली मास्क खरीदना पड़ा। मास्क कितना का पड़ा? 59 सेंट्स का। मतलब कितना हो गया? 50 रुपये का मास्क ही मिला यहाँ पे। और दिखाते हैं यहाँ का प्राइस। 0.35 सेंट्स का है। ये सब यहाँ का बेकरी आइटम है। 0.5, 0.9, 1.4। ये जो 0.69 दिख रही है आपको सेंट है, और ये उसके बाद जो 2.79 दिख रही है ये हीरो है। 2 हीरो का है, 6 हीरो का है। इस तरह का यहाँ स्ट्रॉबेरी वगैरह देख सकते हैं। 1.89 हीरो का है, और इसी तरह करके यहाँ पे 2.99 का है। लेमन 2.49 का है, और 1.39 का कीवी है, 1.79 का, और एप्पल 2.49 हीरो का है। ये भी 2.69 का है। टमाटर है ये छोटी वाली 1.69 की, लहसुन 1.289 की है, और इधर गाजर वगैरह है, गोभी वगैरह है, केला वगैरह। जैसे इधर देख सकते 0.79 सेंट का है, 1.69 का है। इधर गाजर 1.29 हीरो का है, 0.9। इसको पॉपली क्या पॉपली कहते हैं पता भी नहीं है, नाम नहीं पता एग्जैक्ट वगैरह है। 0.95 का है सेंट, 0.79 है, 0.79129। ये प्राइस की ब्रेड है यहाँ पे 0.95 सेंट की है। कॉफ़ी वगैरह, यहाँ कॉफ़ी का क्या रेट है? 3 हीरो है, 3 हीरो, 4 हीरो, 5 हीरो, 0.6। देखिए ये जो 1.1 हीरो का है, 1.39 हीरो का चॉकलेट वगैरह, इधर 0.89 सेंट। चॉकलेट की प्राइसेस देख सकते हैं यहाँ पे। चॉकलेट लग रहा है ना देखने से बहुत सस्ता, जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करिएगा ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। बियर का जो है 1.79 का ये 6 पैक है जो देख रहे हैं यहाँ पे। इधर मिल गया चिकन का, 4 हीरो का चिकन है इधर, ये ब्रेस्ट पीस वाला, और 1.79। देखने से कितना लग रहा है कि एकदम सस्ता है सारा चीज़, लेकिन उतना ही हीरो में ये सारा चीज़। ये पूरा मुर्गा कितने का आ रहा है? 2 किलो 206 ग्राम का है, बट ये आपको पड़ जाएगा 6 हीरो का,
6 हीरो का है। 6 हीरो को आप मल्टीप्लाई कर लो, चिकन का ये रेट है, इधर पीस वगैरह जो कीमा वगैरह है, और चिकन के साथ और बहुत सारा चीज़ आई, बहुत सारा आइटम है। दिखा देते हेयर ड्रायर 14 हीरो का है, और देखिए 4.99 हीरो का कपड़ा वगैरह है, 8.9 हीरो का, 24 का है, या ब्रांडेड होगा हमको लगता है ये 24 हीरो का जो दिखा रहा आपको, 24 हीरो 9 हीरो इतना महंगा महंगा। और सॉक्स वगैरह 4.99 यहाँ की जो प्राइजेस है, सैलोन 3.99 का है, 3 हीरो का है इधर, और एक सैम्पिन है 7.9 का है, 3.99 का है, 7.9, 2.9, 3.9, 5.9। कॉलगेट वगैरह यहाँ देखिए 1.29 का है, जो कॉलगेट एडवांस है, कॉलगेट ट्रिपल एक्शन वगैरह, और 0.9 यहाँ ऐसा जिलेट वगैरह जो डेली यूजेस का चीज़ है, शैम्पू 1.89, बॉडी वॉश और ये सारे चीज़ें, क्रीम वगैरह, डिओडोरेंट वगैरह 1.89, 199, और शैम्पू 1.29 वगैरह का है। हेड एंड शोल्डर का शैम्पू कितना है, ये हैंड वॉश है 3.49 का, और ये मॉइस्चराइज़र है 1.49 का। इनका सर्फ का भी रेट वही है, 8, ये वाली जो सर्फ है 8 यूरो की है, और ये वाली जो है 4 यूरो की है, 4 यूरो की है। इधर लिक्विड है बर्तन धोने होने वाली, फॉर ब्लैक डार्क कलर, ओ ये क्या है, कलर रिफ्रेशिंग कपड़ा धोने वाला ही है इधर, और 4 यूरो का है, 4 यूरो का है, 4 यूरो का है, 3 यूरो का है। उसका का 0.89 प्राइसेस है, 0.79 बियर वगैरह का है, और इधर भी बियर का देख सकते हैं 0.55, 0.49, 0.7, दारू वगैरह का देख सकते हैं क्या प्राइसेस है। इधर जूस का भी देख सकते हैं, 1.09 का जूस है 1 किलो का, और इधर 5.99, 7.99, 7.99, 4.39, 3.99, ये सारा जो है वाइन, विस्की, रम, सारा चीज़ है। ये चिप्स वगैरह यहाँ पर 0.89 का मिलता है, ये प्रिंकल्स वगैरह 0.89 चिप्स वगैरह है, 1.65 का चिप्स है, और बहुत सारा चीज़ है। देख सकते हैं यहाँ पेपर रखे हुए, और ऊपर उसके प्राइजेस है 0.29। दूध है, दूध का प्रोडक्ट जो रखा हुआ है, सो है दूध का दाम है 0.79, और इसका नाम है प्लानोतोचे मिलेको, इसका भी 0.79 वाला इधर ये दूध है, और 0.89 के साथों का इधर ये दूध रखा हुआ है। इधर सब कोई ले रहे हैं, इधर क्या है, कैलकुलेटर, जूता वगैरह है, मशीन वगैरह रखा हुआ है, और इधर ये फ्रीज़र वाला ये रखा हुआ है, फ्रेंच फ्राइज वाला फ्रीज़र वाला रखा हुआ है, कि आप जाके इसको ओवन में गर्म करके आप डायरेक्टली खा सकते हो। इधर सारे आइटम फ्रीज़र वाले रखे हुए हैं। देखिए 1.99 वाला फलाफल है, और ये चिकन क्या नाम बोलते हैं इसका, नगेट्स का दाम देखिए 1.69 यूरो है, और यहाँ पिज़्ज़ा का कितना, पिज़्ज़ा का 1.19 यूरो है, और पिज़्ज़ा का 1.99 यूरो है, 1.49 है, 2.49 है, 1.29 है। पिज़्ज़ा का जो प्राइजेस है, फ्रेंच फ्राइज का जो प्राइजेस है 2.59 का फ्रेंच फ्राइजेस है, और पिज़्ज़ा का 1.09 यूरो है। बटर वगैरह जो है फ्रोजन वाला है 0.89 वगैरह का है, और 2.49 मिक्स वेज वगैरह का सब ये प्राइजेस है 0.49, 0.79 वगैरह का मिक्स वेज वगैरह है, फ्रोजन मिक्स वेज है, और केक वगैरह इधर आ गया, आइसक्रीम भी आ गई 0.39 का, 0.39। यहाँ सिक्का बहुत चलता होगा जैसे देखने के लग रहा है, क्या देखिए दाम सारा एकदम कितने सेंट में है, 0.0 करके ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ मिलती हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह का अलग प्राइस, कोल्ड ड्रिंक 0.55 में है, फ्री वे,
और फ्री वे कोला है यहाँ पे। कोको कोला कितना का है? 1.39 का कोको कोला है। इस तरह की अब पानी 0.25 का पानी है, 0.25, 0.44 इस तरह के पानी है यहाँ पे। 12 यूरो है यहाँ पे बकाडी का प्राइजेस वगैरह, और रेड लेवल का 13 है, 13 यूरो। सोवा नो, जैमसन, ब्रैनो, कार्पेटेस्की ब्रांडी ब्रांडी। गाइस कॉन्डम का यहाँ पे ये प्राइस है 2.19 यूरो। स्पेक्स क्लीनर क्लियर व्यूज का, और इधर टिक टैक वगैरह का, क्लिप्स वगैरह का 2.49, 29.9 क्लिप्स वगैरह का। स्मार्ट वॉच भी है यहाँ पे, ऑर्बिट का है। ये सारे प्राइसेस देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है। जो मोबाइल वगैरह का प्राइस है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मोबाइल का जो है यहाँ पे 449 यूरो है। ये मोबाइल ओप्पो का है, रेनो 5 का है, और ये मोटोरोला का फ़ोन है यहाँ पे। इसकी 89 यूरो का फ़ोन है, ये भी मोटोरोला का है, ये 195 यूरो का है। और हुवाई की है, हुवाई की फ़ोन है पी स्मार्ट 221 ब्लैक का प्राइस है आपका यहाँ पे 179। JBL का जो स्पीकर है 37 यूरो का है ब्लूटूथ वाला, और JBL का ये वाला अपना इंडिया में भी मिलता है, JBL Go 28 यूरो का है। मोटोरोला का फ़ोन जो वगैरह यहाँ 11 यूरो, 13 यूरो। बैक कवर वगैरह का प्राइसेस वगैरह देख सकते हैं। और इधर कुछ काउंटर वगैरह, फाइनली आ गए दूसरे स्टोर में, यहाँ पे सिर्फ क्रीम वगैरह का रखा हुआ है। देखते हैं, ये देखिए डब का है, 1.99 यूरो में दे रहा है, और यहाँ की लोकल कंपनियाँ ये लग रही है लिलिन या होगा भी तो पता नहीं, डब के बारे में तो पता है हमेशा। एक्स की 1.70 दे रहा है, और एक्स का दे रहा 1.70 यूरो में। मतलब देखने से कितना सस्ता लगता है यहाँ पे कि हर चीज़ सस्ता है यहाँ पे, लेकिन यही है क्या चाहिए, करेंसी का डिफरेंस पड़ जाती है, हर चीज़ हर मामले में आ जाती है करेंसी। निविया का देखिए ये वाला, आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया से, 1.8 यूरो, 1 यूरो 90 रुपया समथिंग है। जैसे कि देखते थे यूक्रेन में बहुत महंगा स्पेक्स देता था, यहाँ पे देखते हैं इसका प्राइजेस वगैरह क्या लगे। प्राइजेस वगैरह तो लिखी हुई नहीं है, जैसे हाँ एक इधर इधर देखिए 12 यूरो का है ये स्पेक्स, और जैसे ये सब देखिए 12 यूरो का है। इस तरह के स्पेक्ट्स हैं, इसमें प्राइजेस वगैरह नहीं लिखा हुआ। कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में जाकर आपको प्राइजेस वगैरह बताएंगे। थोड़ा 2 यूरो की इतनी सारी टी शर्टें, ये 2 यूरो की है, ये भी जो टी शर्टें हैं 2 यूरो की है। और इधर जो है देख रहे हैं कपड़े कितने, मतलब लग रहे हैं क्या सस्ते हैं। मोज़ा का जो प्राइजेस है 1 यूरो, ये सारे मोज़े का है। तो अंडरवेयर वगैरह का, क्रॉक्स वगैरह का क्या है? क्रॉक्स का प्राइस और फिट 7 यूरो में जींस मिल रही है यहाँ पे लड़कियाँ का। और ये देखते हैं गर्ल्स ड्रेस भी है 6 यूरो की, और हीट का मतलब यहाँ पता नहीं। इधर जो लड़कियाँ का ड्रेस है सारा 2 यूरो का, 5 यूरो का, 5 यूरो का, और 5, 10, 12 यूरो का लड़कियाँ का जींस है। बिस्त्रो रेस्टोरेंट आ गया इसका, देखते हैं यहाँ प्राइजेस वगैरह क्या लिखा हुआ है। ये लगता है मंडे व ट्यूजडे वगैरह लगा लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ का एकदम क्लासिक डायमंड यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है स्टाइल। मेन्यू तो समझ में नहीं आ रहा है, बट फोटो देखने से पता चल रहा है कि क्या क्या है। मेन्यू क्या लिखा हुआ है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इधर देख सकते हैं पूरी वीडियो पोस्ट कर, पूरी पूरी तरह से अन्य ऐसा पड़ा।
गाइस यही थी सोलावोकिया की जो लिविंग कॉस्ट का जो यहाँ बजट का खर्चा पड़ता था, आपको दिखा चुके थे कि हर सामान की क्या प्राइजेस वगैरह थी, और यहाँ का लोग जो मिलजुल रहे थे, जो पब्लिक थे नॉर्मल थे, मतलब नॉर्मल क्या, नॉर्मल तो हर जगह के होते, लेकिन ज़्यादा वो भेदभाव भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि थोड़े यहाँ के लोग रेसिज्म मानते हैं, और उसके बाद क्या कि लोग एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि अजूबा आ गए हैं एक देखने से जिस तरह करते थे। और यहाँ जो ज़्यादा बड़ा देश नहीं, हमको लगता है बहुत लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, ये देश जो है इस ये यूक्रेन से सटी हुई बॉर्डर पे है, और इसका बॉर्डर जो ये देश की स्लोवाकिया की जो बॉर्डर छूती है, एक छूती है हंगरी, एक छूती है ऑस्ट्रिया, और एक छूती है ये यूक्रेन, तीनों देश से ये घिरा हुआ। ये ज़्यादा बड़ा देश नहीं, और यहाँ पर हीरो चलती है, कुछ ज़्यादा खास नहीं था यहाँ जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे गांव था तो कुछ खास दिखाने के लिए था नहीं, तो इसीलिए यहीं पे आके हम वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।